देवर्षी रश्मि फूड ट्यूस्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक तड़का पैन की अनबॉक्सिंग करेंगे। ये हॉकिंस फ्यूचरा का हार्ड एनोडाइज तड़का पैन है और ये 240 ml का है। तो आइए चलिए खोलते हैं इसको। इसकी कैपेसिटी 1 कप है और इसकी 3.25 mm थिकनेस है और 240 ml इसकी कैपेसिटी है। और यहाँ ये 5 ईयर की गारंटी है इसकी। ये हार्ड एनोडाइज है। ये नॉन स्टिक नहीं है, इसलिए आप इसमें आराम से मेटल की चम्मच यूज कर सकते हैं। यहाँ इसकी प्राइस 335 लिख रही है, पर हमने लिया इसको 307 रुपीस में। और मैन्युफैक्चरिंग इसकी सितंबर 2020 है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही बताई गई है। इसको खोलते हैं। ये इसकी गारंटी कार्ड है, 5 ईयर्स का गारंटी कार्ड। ये हमारा पैन और ये इंस्ट्रक्शंस बुकलेट है इसकी। ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है और ये हार्ड एनोडाइज्ड है। जैसा आप देख रहे हैं इसमें इनबिल्ट स्टैंड नहीं है, इसमें बैकलाइट का हैंडल नहीं है। यहाँ ये एरो बन रहे हैं, यदि ये गर्म हो तो आपको इसके पीछे से ही पकड़ना है। इसका वजन लगभग 257 आ रहा है और साइड पे 250 ग्राम लिखा हुआ है। हॉकिंस के तड़का पेन 2 साइज में अवेलेबल है, 240 ml और 480 ml। इसको इंडक्शन कुक टॉप पे काम ले सकते हैं कि नहीं, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। आज मैंने प्रेस्टीज तड़का पेन की भी अनबॉक्सिंग की है और दोनों का कंपैरिजन मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने हॉकिंस का फ्यूचरा तड़का पैन और प्रेस्टीज का तड़का पैन आप लोगों के लिए कंपैरिजन के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर प्रेस्टीज में इनबिल्ट स्टैंड है और हॉकिंस फ्यूचरा में इनबिल्ट स्टैंड नहीं है। और इसमें बैकलाइट का हैंडल है प्रेस्टीज में और हॉकी फ्यूचरा में मेटल का है। और दोनों तड़का पैन की कैपेसिटी 240 ml है और दोनों का साइज भी लगभग सेम ही है। ये दोनों तड़का पैन एल्यूमिनियम के बने हुए हैं। प्रेस्टीज तड़का पैन की थिकनेस 3 mm है और हॉकिंस फ्यूचरा की 3.25 mm थिकनेस है। हॉकिंस फ्यूचरा की टैग प्राइस 335 है और प्रेस्टीज की 380। इसको मैंने 315 रुपीज में खरीदा 315 रूपए में और इसको 307 रुपीज में खरीदा 307 रूपए में। प्रेस्टीज की 2 ईयर्स की गारंटी है और हॉकिंस फ्यूचरा की 5 ईयर्स की गारंटी है। और आप लोग चाहेंगे तो मैं इसका यूज करने के बाद इस तड़के पेन का रिव्यू भी करूंगी। ये अनबॉक्सिंग आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाइएगा और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और जल्दी दूसरी अनबॉक्सिंग या रेसिपी लेकर आऊंगी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।